नमस्कार मित्रों, आपको जैसा पता है कि हम लोग मूल विधि कर रहे हैं और मूल विधि के अंतर्गत हम लोगों ने आईपीसी कर ली थी। आज बारी है सीआरपीसी के बारे में 1973। मैं लगातार आपको जो वीडियो के माध्यम से फटाफट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप में से जितने भी लोग हैं जो सीरियस कैंडिडेट हैं यूपीएसआई को लेके, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पूरा सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको कवर अप कराया जाएगा। अब स्पीड लगातार बढ़ रही है और लगातार मैं अब सारी चीज़ों को अपडेट कर रहा हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता में जो राष्ट्रपति ने इसको जो स्वीकृति दी है वो कब दी थी, वो उन्होंने दी थी आपको 25 जनवरी 1974 के अंतर्गत दी गई थी, ठीक है, स्वीकृति। उसके बाद यदि हम लोग आप देखें तो यहाँ देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता जो कि है वो 1 अप्रैल 1974 को हुई है, ठीक है। इसके बाद यदि देखा जाए तो दंड प्रक्रिया संहिता में कुल कितनी धाराएँ हैं दोस्त, तो ये हैं आपकी 37 धाराएँ हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, ठीक है ना। प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 37 धाराएँ हैं और कितने जो अध्याय हैं, अध्याय दोस्तों यहाँ पे 37 हैं और जो आपकी धाराएँ हैं 484 हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का काज जो है वो गैर जमानती अपराध को बताता है, जिसको बोलते हैं गैर जमानती अपराध, ठीक है ना। दंड प्रक्रिया की जो धारा है 2 की जो सी है वो संज्ञेय अपराध, मतलब कि कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनको परिभाषित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में देखते हैं। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत और कौन कौन सी बातें हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 2 का डी है वो परिवाद या कंप्लेन को दर्शाता है, ठीक है ना। कंप्लेन को जो दर्शाता है वो किसके अंतर्गत है, 2 का डी है। आपका 2 का जी या 2 का छा बोलेंगे तो उसमें जाँच या इंक्वायरी के बारे में आता है। दंड प्रक्रिया की धारा 2 का एच या 2H या 2 का जा हिंदी में बोलेंगे तो अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है। आपसे सीधा प्रश्न ये बनेगा कि जो दंड प्रक्रिया की धारा जो 2 का जो जा है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा जाएगा। जो जांच इंक्वायरी है ये किस धारा से संबंधित है, परिवाद जो है वो किससे संबंधित है, यही सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। अब देखेंगे तो दंड प्रक्रिया की जो धारा 2 का आई है या 2 का ठा है उसमें असंज्ञेय अपराधों के बारे में बताया गया है। अभी मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके बाद में कि संज्ञेय अपराध क्या होते हैं और असंज्ञेय अपराधों के बारे में क्या है, ठीक है ना। तो आप ताकि चीज़ों को बहुत ही ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर पाएँ कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। दंड प्रक्रिया की जो धारा 2 का एन है उसमें 2 का ढा में अपराध या ऑफेंस को परिभाषित किया गया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 2O है जिसको अणा बोलते हैं, वो थाने का भार साधक अधिकारी है। इसका मतलब है वो ऑफिसर्स है जो ऑफिसर्स को चार्ज दिया गया है कि कहाँ पर, पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। आगे देखते हैं दोस्तों, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का जो R है वो पुलिस रेलवे स्टेशन को परिभाषित करता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 का S या 2 का जो धा है वो पुलिस जो थाना है उसको परिभाषित करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन को परिभाषित करता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि दंड प्रक्रिया की जो धारा प्रथम अनुसूची है वो अपराध के वर्गीकरण से संबंधित है। फिर आते हैं दंड प्रक्रिया की जो मुख्य धारा है, जो मुख्य विशेषता है वो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। यही चीज़ आपने आज दोस्तों जो दंड प्रक्रिया की जो धारा 2 का यू पार्ट आपको दिख रहा है ना, जिसको 2 का पा भी बोलते हैं, वो लोक अभियोजन के बारे में बताता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब है वकील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दंड प्रक्रिया की जो धारा 2WA है तो वो किससे है, विक्टिम से संबंधित है, पीड़िता से, जिसको पर अत्याचार किया गया उसको विक्टिम बोला जाएगा, ठीक है। दंड प्रक्रिया की जो धारा 2WBA है, जिसको हम लोग 2W बोलेंगे, हिंदी में 2 का बा बोलेंगे, वो समन मामला को परिभाषित करता। देखिए आपको यहाँ पर PhD नहीं करनी, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सिर्फ रटना है, और आप इसको जब वीडियो को 4-5 बार देख लेंगे तो यकीन मानिए पूरा वीडियो आपको रट जाएगी, पूरी एक चीज़ रट जाएगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना कि हर एग्ज़ाम में नहीं आता, तो आपको लगातार इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेसिफिक एक यही मात्र एग्ज़ाम है। और मैं आपको बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में जो चूकेगा वो आने वाले कम से कम 4 सालों तक UPSI की वेट करेगा, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ बदल रही हैं, वैकेंसीज कम हो रही हैं लगातार, तो हो सकता है अगली बार आपको अपॉर्चुनिटी ना भी मिले या आप ओवरएज हो जाएं या किन्हीं कारणों से आप, कोई भी घटना हो सकती है दोस्तों, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो इसलिए एक बार पढ़नी है, एक बार अच्छी तैयारी करनी है। दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में देखेंगे तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि धारा 2 का जो एक्स है वो वारंट मामले
को परिभाषित करता है। वहीं अगर दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 8 के अनुसार क्या बात है, 8 के अनुसार राज्य सरकार के किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र तभी घोषित करेगी जब उसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो, ठीक है ना। अब देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि दंड जो प्रक्रिया संहिता की जो धारा 24 है उसकी उपधारा 3 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए लोक अभियोजन नियुक्त करने की जो शक्ति वो राज्य सरकार देगा। इसके बारे में अगर हम लोग देखा जाए तो दंड प्रक्रिया की जो धारा 25 है उसके अंतर्गत बोला गया है कि सहायक लोक अभियोजन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति के लिए प्रावधान करती है, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों दंड प्रक्रिया की जो धारा 25 का एक है ना, ये अभियोजन निदेशालय से संबंधित है, ठीक है ना। ये अभियोजन निदेशालय की स्थापना करती है। दंड प्रक्रिया की धारा जो 28 का पहला पार्ट है वो के अनुसार उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा जो 28 का उप पार्ट 2 है उसके अनुसार सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश किसी विधि, विधि का मतलब कानून, द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने की आवश्यकता होगी। अब देखेंगे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 का 3 पार्ट। देखिए आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता होगा, यहाँ पर डॉग्स की आपको आवाज़ें आ सकती है। अब मेरे लिए मजबूरी है कि मुझे ऐसी समय में ही करना पड़ता है क्योंकि दिन में सारी व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को कॉपरेट करिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा आपको चीज़ें अगली बार से ना सुनाई दे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्षों तक की अवधि के लिए कारावास दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है वो धारा 29 के 1 के अनुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो 7 वर्षों तक के कारावास का दंडादेश हो सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के 2 के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो 3 वर्षों के कारावास या 10,000 रुपये तक या दोनों से जुर्माने से उसको दंडादेश दिया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के 3 के अनुसार ये बोला गया है कि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो 1 वर्ष तक का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से नवाजा जा सकता है। धारा 36 क्या कहता है? धारा 36 कहता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की शक्तियों से संबंधित है, जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, आईपीएस हैं, एसडीएम हैं, एसएसपी हैं, इन सब के जो पुलिस अधिकारी हैं इनके शक्तियों के बारे में बताता है। दंड प्रक्रिया संहिता के धारा जो 37 है वो जनता द्वारा मजिस्ट्रेट एवं पुलिस की सहायता से संबंधित है। बात करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 39 के बारे में, तो कुछ उपबंधों को अगर आप देख लें, दंड प्रक्रिया संहिता में अगर आप कुछ उपबंधों को देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अपराधों की सूचना का जनता द्वारा किया जाने से संबंधित है। 41 के अंतर्गत क्या बोला गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी से संबंधित है। उसके बाद धारा 41 के सी में क्या बोला गया, 41 के गा में क्या बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष, जिसको बोलते हैं हम लोग कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम का स्थापना करेगी। वो कौन करेगा? राज्य सरकार। किस धारा के अंदर? धारा 41 के सी के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के डी में या 41 के घा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान उसकी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार का प्रावधान है। और आपको इसको मैं बता दूं कि किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल 22 के अंतर्गत भी इसका बखान है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 45 है वो किससे संबंधित है? वो है आर्म्स फोर्स से संबंधित, ठीक है, और सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करती है। देखिए आर्म फोर्स में क्या है ना कि किसी भी टाइप का जो मुकदमा होगा वो कौन चलाएगा? वो उनकी फोर्स चलाएगी, ठीक है। वो आप आम जो चलता है कोर्ट वो नहीं चलता है, ठीक है ना। तो अगर आर्मी में है तो आर्मी का अपना अलग कोर्ट होता है जिसमें कोर्ट मार्शल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 48 के अनुसार पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। आगे देखेंगे दोस्तों कि वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है वारंट के लिए। अब देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 क्या है। 57 के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा, और यही ये धारा 57 है और यही आपको अनुच्छेद 22 के अंतर्गत भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे अपने थाने में बिना वारंट या गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति की सूचना जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट
को या उसके ऐसे निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न जिसको एसडीएम बोलते हैं ना, एसडीएम को दे देगा। देखिए धारा 70 में क्या है, धारा 70 के अनुसार प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द ना किया जाए या वह निष्पादित ना कर दिया जाए। धारा 70 में है ये सीआरपीसी की धारा है के अनुसार गिरफ्तारी का जो वारंट है वो भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। आगे देखेंगे कि जब किसी अभियुक्त को एक जिले की पुलिस के द्वारा न्यायालय की आज्ञा से दूसरे जिले में ले जाया जाता है तो उसे ट्रांजिस रिमांड बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं? ट्रांजिस रिमांड। सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के हाजिर होने के लिए उद्घोषणा की जाती है और अगर नहीं आप हाजिर होंगे तो कुर्की हो जाएगी। अभी कुर्की का भी बखान है। धारा 83 के अंतर्गत क्या है कि जो भी फरार व्यक्ति की संपत्ति के कुर्की के बारे में, अभी देखिए मैंने आपको बताया था कुर्की का मतलब होता है घर का सारा सामान निकाल के जब्त कर लेना। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जाता है। ठीक है, धारा 97 के अंतर्गत क्या है कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी विधि विरुद्ध निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी हेतु वारंट जारी कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 का जो प्रावधान है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के में है और आपको पता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हम लोगों के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आर्टिकल 32 और हाईकोर्ट के अंदर आर्टिकल 226 के अंतर्गत है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या बोला गया, संविधान की आत्मा किसने बोला, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। ठीक है, दंड प्रक्रिया की जो धारा है 107 में परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभूति से संबंधित है। दंड प्रक्रिया की धारा जो 108 है उसमें राजद्रोह बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति या सिक्योरिटी से संबंधित सारे प्रावधान के बारे में इसका जिक्र है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट धारा के ऊपर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 109 है उसमें आपको संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति के बारे में सिक्योरिटी से संबंधित प्रावधान है। 102.10 है वो अभ्यासित अपराधियों या हैबिट्यूल ऑफरेंस्ड से सदाचार के लिए क्या प्रतिभूति से संबंधित प्रावधान है। जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना, ये इफ्तला बोलते हैं ना, इफ्तला मिलती है कि संभावना कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट धारा 107 के अंतर्गत तो उस व्यक्ति के एक वर्ष तक के लिए बॉन्ड भरने का आदेश दे सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। धारा 125 के अंतर्गत क्या, धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के अधिकार से संबंधित। ठीक है ना, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(1)(घ) के अंतर्गत पुत्र व पुत्री अपने माता पिता के भरण पोषण के जिम्मेदार यदि माता पिता स्वयं सक्षम नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन भी आया था UPSI जुलाई 2017 के अंतर्गत। धारा 125 के अंतर्गत क्या है, धारा 125 के अंतर्गत पत्नी संतान माता पिता जो भरण पोषण करने में असमर्थ हैं घर के ही सक्षम व्यक्ति से न्यायालय द्वारा भरण पोषण दिलाया जाता है। आप देखेंगे धारा 129 के अंतर्गत है कि कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी विधि विरुद्ध जमाओं को सिविल बल के प्रयोग द्वारा तितर बितर कर सकता है। धारा 133 के बारे में बात करेंगे तो है उपमें उपताप हटाने के आदेशों से संबंधित है। ठीक है, जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को किसी पुलिस अधिकारी से या अन्यथा सूचना प्राप्त होता है कि कोई व्यक्ति लोक स्थान में कोई अवरोध खड़ा कर दिया है तो धारा 133 के अंतर्गत उसे हटाने का आदेश दिया जाता है। धारा 144 के अंतर्गत क्या है, धारा 144 के अंतर्गत बोला गया है कि खतरे या उपहाती अवरोध रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 149 है उसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराधों का निवारण, प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने वाले निवारण करने के प्रयोजनों से हस्तक्षेप करेगी और अपनी पूरी सामर्थ्य से निवारित कर सकेगी। इसके बारे में पूरा बखान किया गया है। अब देखते हैं हम लोग को और धाराओं के बारे में। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 151 है उसके अंतर्गत क्या है, उसमें पुलिस अधिकारी ये संज्ञेय अपराधों को किए जाने से पहले गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अंतर्गत क्या है, पुलिस अधिकारी लोक संपत्ति
का हानि का निवारण कर सकती है। धारा 153 के अंतर्गत क्या थाने के बाहर सहायक अधिकारी द्वारा उस थाने की सीमाओं के अंतर्गत बाट एवं मापों के निरीक्षण से संबंधित बारे में बात करी गई है। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अंतर्गत प्रथम सूचना मतलब FIR केवल संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जा सकती है। अभी एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं। दंड प्रक्रिया की धारा 154 के तीन भाग के अनुसार कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के बाहर सहायक अधिकारी के द्वारा सूचना अभिलिखित करने से इनकार करने के कारण व्यथित है तो वह सूचना का सार डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। CRPC की धारा 155 में असंज्ञेय मामलों के बारे में सूचना एवं कुछ मामलों में जांच पड़ताल से संबंधित है। धारा 162 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा आप देखेंगे तो पुलिस अधीक्षक से अन्वेषण के दौरान किए गए कथन लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। CRPC के दो धारा 164 इसके अंतर्गत क्या संस्वीकृतियों और कथन का न्यायिक मजिस्ट्रेट में उल्लेख किया जाएगा। ये रटना है आपको क्योंकि अभी मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब आपको सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी से समझ में आएगी। धारा 167 के अंतर्गत क्या है कि पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों की स्वीकृति की जा सकती है। 15 दिनों से अधिक का निरोध पुलिस अभिरक्षा में ना होकर न्यायिक अभिरक्षा में होगा जिसको बोलते हैं जुडिशियल कस्टडी। धारा 167 के दो का पाठ ये कहता है कि एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को अधिकतम 7 दिन तक पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 172 उसमें क्या है इन्वेस्टिगेशन है वो भी में कार्रवाइयों की डायरी केस डायरी से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा केस डायरी का संबंध किस धारा के अंतर्गत है, धारा 172 के अंतर्गत है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 क्या है, वो है थाने में भार साधक अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूरा हो जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्या करना है पुलिस की रिपोर्ट को वहाँ पर पहुँचाना है। ठीक है, जिसके आधार पर क्या होगा कि मजिस्ट्रेट अपराध हुआ संज्ञेय अपराध के बारे में देखेगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 में आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करने की रिपोर्ट से संबंधित है। इसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 198 है, 198 में विवाह के विरुद्ध अपराध के लिए अभियोजन के संबंध में प्रावधान है। CRPC की धारा 262 की उपधारा 2 के अनुसार एक संक्षिप्त विचारण वाले अपराध में 3 महीने से अधिक दंड नहीं दिया जा सकेगा। इसके बारे में देखेंगे CRPC की धारा 21 के का में देखेंगे तो इसमें बोला गया धारा 265 के का से 265 के ठा तक एक अभिवाद सौदेबाजी ठीक है के संबंध में प्रावधान है। आगे देखेंगे अभिवाद सौदेबाजी से अभियुक्ति और अभियोजन दोनों पक्ष आपस में समझौता कर न्यायालय द्वारा मामले को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन न्यायालय में देना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया कि अभिवाद सौदेबाजी में 7 वर्ष तक की सजा वाले आपराधिक मामलों को समाप्त किया जा सकता है परंतु देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध या किसी स्त्री के विरुद्ध अपराध या 14 वर्ष से कम आयु के शिशु के विरुद्ध अपराध अभिभावक सौदेबाजी से परे है। ठीक है, अपराध हम देखेंगे CRPC की धारा 300 के अंतर्गत क्या है। 300 के अंतर्गत एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अंतर्गत भी है, ये भी आपको पता है। और ये किस धारा में है, CRPC की 300 के अंतर्गत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 304 है उसमें कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य की व्यय पर विधि के सहायता से संबंधित जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 339 के ए के अनुसार है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में पीड़ित प्रतिकर योजना से संबंधित है। 357 का गा है वो पीड़ितों के उपचार से संबंधित है। 358 है निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर 1,000 रुपये तक दिलाने से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 438 है उसके अंतर्गत है अग्रिम जमानत मंजूर करने की जो शक्ति है वो सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें जो और भी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश में अग्रिम जो जमानत है उसका उपबंध कब आया था, 1976 में आया था। मतलब आपने अपराध की अग्रिम जमानत ले सकते हैं लेकिन SC ST अधिनियम के अंतर्गत ऐसा नहीं है। ये मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो 484 है वो 37 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियाँ एवं 56 प्रारूप
फॉर्म का प्रयोग होता है। ये देखिए आपका UPSI में पूछा भी गया है, ठीक है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था वो 1872 में हुआ था, 1 सितंबर 1872 में प्राप्त हुआ था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विधेयक का जो प्रारूप था वो जेम्स स्टीफेंस ने तैयार किया था, ठीक है। इनके बहुत सारे केसेस हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के MCQ कराने से पहले। RM बलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में टेप रिकॉर्डर को दस्तावेज साक्ष्य माना गया था, ठीक है। रेस जस्टिस के सिद्धांत को साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में मान के लिपिबद्ध किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के हेतु तैयारी तथा पूर्ववर्ती पश्चातवर्ती आचरण के संबंध में सुसंगठित का नियम प्रतिपादित करता है। अब देखेंगे शिनाख्त परेड से संबंधित नियम जो साक्ष्य हैं वो धारा 9 के अंतर्गत प्रावधान है। शिनाख्त परेड क्या होता है? पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी नागरिक द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा ली जा सकती है, किंतु पहचान कार्रवाई करने में मजिस्ट्रेट को प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 9 है उसमें अन्य उपस्थित प्ली ऑल लिबनी से संबंधित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। इसके बाद देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 25 है उसके अंतर्गत क्या है कि किसी पुलिस ऑफिसर से दी गई कोई भी स्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित ना की जाएगी। धारा 26 क्या बोलता है? धारा 26 ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई स्वीकृति सुसंगत है भले ही वह पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए की गई हो। देखिए मैं आपको बहुत तेज़ी के साथ में सारी क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब जो आपके पास समय है मुश्किल से 2 से 3 महीने का समय है, और इन 2 से 3 महीने के समय के अंतर्गत मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा PhD करने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ रटें, क्योंकि ये 1-day एग्ज़ाम्स हैं और एक ही एग्ज़ाम में आपका भाग्य का निर्धारण हो जाएगा कि आप सफल होंगे कि असफल होंगे। आप अगर सफल होंगे तो आप सिर्फ फिजिकल और रनिंग के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसको रट लीजिए और रट के अपना काम चलाइए। ज़्यादा PhD करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विगत वर्षों में हमने देखा है कि सारे प्रश्न ऐसे डायरेक्टली पूछे गए हैं। देखते भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 32(1) के अधीन मृत्युकालित कथन दीवानी और दंडित दोनों मामलों में ग्राहक है। दोस्तों तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। देखिए अब इसके बाद आता है MCQ, ठीक है। ये MCQ पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसका पहला वाला जो पार्ट है उसको देख लीजिएगा, IPC को, PCRPC को। अब इसके बाद MCQ नहीं करेंगे, इसके बाद करेंगे जो मुख्य धाराएं हैं, जो धाराएं उनका रिवीजन और साथ ही साथ जो जजमेंट है उनको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद MCQs करेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि आप को इस वीडियो में कोई सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा, और अपने जो टेलीग्राम चैनल है प्लीज़ इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिए और लगातार अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अभी आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरी किताब आपको बता दी, अब इससे ज़्यादा क्या कंटेंट लेंगे आप, ठीक है। तो कंटेंट बहुत बेहतर है, बस आपको रटना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके सिर्फ 1-liner question आने वाले MCQs फॉर्मेट में। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।